माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट, आप सभी का स्वागत है। और मैं आज ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिसके लिए मैंने प्रोफार्मा अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरा लास्ट वीडियो जो फाइनल अकाउंट्स पार्ट वन है अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख लें, जिससे आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। और इसके लिए हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, टाइटल लिख लिया, इसके कॉलम्स बनाएंगे, ये वर्टिकल लाइंस हैं, जैसा कि मैंने बताया है दो हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बनेंगी। दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, ये वर्टिकल लाइंस हो गई, ये डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया, पर्टिकुलर्स अमाउंट अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है, जिस ओपनिंग स्टॉक आता है और प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं, और इसके क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट आइटम इसमें है हमारा क्वेश्चन में प्रारंभिक रहतिया, जिसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 20,200, ओपनिंग स्टॉक 20,200। नेक्स्ट आइटम हमारा है परचेजेस। परचेजेस क्रय को कहते हैं, और क्रय को रिकॉर्ड करते समय, परचेज को रिकॉर्ड करते समय हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कहीं क्रय वापसी या परचेज रिटर्न तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्रय वापसी परचेज रिटर्न भी दे रखा हुआ है, इसलिए क्रय का जो अमाउंट है, परचेज का जो अमाउंट है, उसको हम यहां पर रखेंगे। टू परचेजेस 50,000, टू परचेजेस 50,000। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि ये 50,000 अगर यहाँ पर क्रय वापसी नहीं होता तो ये 50,000 यहाँ पर आ जाता, और चूंकि इसमें क्रय वापसी दे रखा हुआ है तो उसको भी हमें लेस करना है, इसलिए ये 50,000 बाहर ना लेके इसको अंदर रखा जाएगा। टू परचेजेस रिटर्न्स, परचेजेस को शॉर्ट में हम PUR.P लिख सकते हैं, और इसका अमाउंट है, परचेज रिटर्न का अमाउंट है 1,500। तो इसमें से इसको जब हम लेस कर देंगे तो ये हमारा बचेगा 48,500। नेक्स्ट हमारा आइटम है सेल्स, यानी विक्रय। तो विक्रय जो माल हम बेचते हैं उसको विक्रय कहते हैं। विक्रय इसमें दे रखा हुआ है 83,800, और इसके साथ में भी वही चीज है कि जैसे क्रय को रिकॉर्ड करते समय हमने देखा था कि क्रय वापसी तो नहीं है, उसी तरह से विक्रय को भी रिकॉर्ड करते समय हम देखेंगे कि विक्रय वापसी तो नहीं है। अगर विक्रय वापसी होगी तो सेल्स का अमाउंट यहाँ आएगा, और नहीं होगी तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बाई सेल्स एंड द अमाउंट इज 83,800
800, इसमें से सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे और सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 2100, 2100, इसमें से इसको लेस कर देंगे, 8 minus 1 700 हो गया, 3 minus 2 1 and 8, 81,700 ये नेट सेल्स हमारी बच गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है मजदूरी। मजदूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेजेस। वेजेस हमारा अमाउंट क्या है इसका? 10,280। तो वेजेस जो कि हमारा एक्सपेंस है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो इसलिए वो भी जो है डेबिट में आएगा। टू वेजेस 10,280, 10,280 रुपए। एंड द नेक्स्ट आइटम इज रेल भाड़ा एवं ढुलाई। तो रेल भाड़ा एवं ढुलाई हमारा दे रखा हुआ है 750 रुपए। इसको हम लिख सकते हैं रेल फ्रेट एंड कैरिज। एक्सपेंस है डेबिट में होगा, रेल फ्रेट एंड कैरिज। कैरिज कहते हैं लाइक को। एंड द अमाउंट इज 750 रुपीज। नेक्स्ट आइटम है ईंधन व्यय। ईंधन क्या होता है? जब किसी कच्चे माल को हम उसको पकाते हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसमें जो ईंधन चाहिए होता है उसको हम कहते हैं फ्यूल, और ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। फ्यूल 1820, टू फ्यूल 1820, 1820 रुपए। और एक लास्ट आइटम इसमें दे रखा हुआ है चुंगी। माल को मंगाने से संबंधित ये व्यय होता है जिसको चुंगी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑक्टाय कहते हैं। तो चुंगी हमारा इसमें है 290 रुपीज, टू ऑक्टाय 290 रुपीज। अब ये जो ट्रायल बना हुआ है, ट्रायल के बाद नीचे इसमें दे रखा हुआ है अंतिम स्कंध। अंतिम स्कंध को कहते हैं इंग्लिश में क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक इसमें दे रखा हुआ है 18,300। क्लोजिंग स्टॉक चूंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होगा, इधर आएगा अपोजिट साइड में। टू क्लोजिंग स्टॉक एंड अमाउंट इज 18,300, 18,300। तो स्टूडेंट्स ये सारे आइटम्स इसमें पोस्ट हो गए, और अब हम लोग इसका फाइनली रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि इन सारे एक्सपेंसेस को डेबिट या क्रेडिट स्टॉक को करने से हमें प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपीज, जो कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है। और डेबिट साइड का टोटल अब करते हैं 0, 13, 215,
81,840 रुपीस, ये डेबिट साइड का टोटल आया। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड आंसर इज 18,160 रुपीज, 18,160 रुपए ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब इसमें जो बड़ा वाला टोटल है जो कि क्रेडिट साइड का है 1,00,000 रुपीज, सबसे पहले तो आप दोनों साइड में वो लिख लें 1,00,000 रुपीज, ये हो गया। इधर भी वही लिख लेंगे 18,160, ये इधर साइड में कम है इसलिए डेबिट साइड हमारी कम थी इसलिए इसको डेबिट में लिख लेंगे 18,160 रुपीज, विच इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ। इसके लिए हम लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीबी, कैरेट डाउन। ये चूंकि हमारा रफ वर्क था इसलिए इसको आप लोग तो कॉपी पर दूसरी जगह कर लेंगे रफ पेज पर, मैंने तो यहीं पर किया था, इसको मिटा देंगे। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले ट्रेडिंग अकाउंट जैसा मैंने बताया था टाइटल डाल लेंगे, फिर से वही कॉलम है वर्टिकल लाइंस, टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये डेबिट साइड के दो कॉलम हो गए पर्टिकुलर अमाउंट और दो कॉलम क्रेडिट के हो गए। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले प्रारंभिक रह दिया है ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रह दिया जिसको कहते हैं हिंदी में 4,000 रुपए, टू ओपनिंग स्टॉक 4,000 रुपए 4,000। स्टूडेंट्स हिंदी टर्म्स की ओर भी जरा उतना ही ध्यान दें जितना इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपको अधिकतर हिंदी में ही मिलेंगे इसके। तो नेक्स्ट आइटम है क्रय जो कि 13,000 रुपए है और क्रय वापसी भी दे रखा हुआ है, तो इसको हम अमाउंट को अंदर ही रखेंगे, टू परचेजेस 13,000 रुपीज, 13,000 रुपए एंड क्रय वापसी इसमें दे रखी हुई है 200 रुपीज। इसको इसमें से जैसा कि हम लेस करते हैं, लेस परचेज रिटर्न, शॉर्ट में लिख लेंगे परचेज को PUR डॉट लिख लेंगे एंड रिटर्न्स को हम RET शॉर्ट डॉट लिख लिया, 200 रुपीज है इसको लेस कर दिया और ये हमारा आ गया 12,800। नेक्स्ट आइटम इज विक्रय जिसको हम सेल्स कहते हैं, सेल्स दे रखा हुआ है 15,000 और विक्रय वापसी भी इसमें दे रखा हुआ है, तो इसका अमाउंट भी अंदर ही लिखा जाएगा, परचेज इधर ही रहता है डेबिट में, तो सेल्स इधर आ जाएगा बाई सेल्स एंड द अमाउंट इज 15,000।
15,000 रुपए। इसमें से सेल रिटर्न भी रखा हुआ है जो कि हम लेस कर देंगे, रिटर्न्स को आरईटी डॉट लिख देंगे एंड विक्रय वापसी हमारा इसमें दे रखा हुआ है 100 रुपए। इसको लेस कर दिया, 14,900 रुपीज बचा। तो ये सेल्स और परचेज रिकॉर्ड हो गई। अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट आइटम है विक्रय, तो सॉरी मजदूरी, वेजेस जिसको कहते हैं, 500 रुपए। मजदूरी हमारा एक्सपेंस है, इधर लिख लेंगे डेबिट में टू वेजेस एंड द अमाउंट इज 500 रुपीज। नेक्स्ट आइटम इज गाड़ी भाड़ा, जिसको हम फ्रेट कहते हैं, तो फ्रेट 400 रुपीज है, इसको भी डेबिट कर लेंगे टू फ्रेट इज 400 रुपीज। एंड नेक्स्ट आइटम इज कोयला व गैस, कोयला व गैस ईंधन के रूप में यूज होता है, माल को बनाने से संबंधित है, तो ये जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। कोयला व गैस, कोल एंड गैस एंड द अमाउंट इज 300, कोल एंड गैस अमाउंट इज 300। तो ये ट्राई के अंदर के सारे आइटम्स पोस्ट हो गए और अब इसके बाहर दे रखा हुआ है अंतिम रहतिया, जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक 4,500 रुपीज का। ओपनिंग स्टॉक इधर है तो क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,500 रुपीज। तो स्टूडेंट्स सारे आइटम्स पोस्ट हो गए और अब इसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि हमें इन सारे ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल सबसे पहले करते हैं 14 और इसका टोटल है हमारा 19,400 रुपीज क्रेडिट का है। अब इधर का टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का और वो है हमारा 18,000 रुपीज। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, लेस करते हैं इसमें से क्रेडिट में से डेबिट 0, 4, 1 एंड आंसर इज 1,400 रुपीज विच इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। तो फिर से वही काम करते हैं, ज्यादा वाला टोटल हमारा ये है तो इसको हम सबसे पहले नीचे ये लाइन खींचकर यहाँ लिख लेते हैं 19,400 रुपीज और यहां पर भी डेबिट में भी वही टोटल आएगा, टोटल सेम लिखा जाएगा 19,400 रुपीज। जो आंसर आया है वो चूंकि इधर का 18,000 टोटल आया था तो कम इधर ही के साइड है, तो 1,400 को हम यहां पर लिख लेंगे और इसके लिए हम फिर से वही लिख लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट सी डी मीन्स कैरेट डाउन, और ये जो प्रॉफिट होता है वो नेक्स्ट इससे जो अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन होता है। जैसे अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसमें क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर सपोज इन केस इधर लॉस आता है, ग्रॉस लॉस आता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होता। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया और इसका ये जो रफ वाला पोर्शन है
इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इसको अलग से रफ पेज पर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये टू क्वेश्चंस ट्रेडिंग अकाउंट के मैंने सॉल्व कर दिए हैं। और अब आप लोगों का काम ये है कि जो मैंने बताया था कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक अकाउंट्स की, टेंथ की होनी चाहिए। तो अब आपने जो भी बुक परचेज कर ली है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। और अगर कोई डिफिकल्टी आती है, कोई आइटम नहीं समझ में आता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। अंत में एक जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इसके पहले के जो भी वीडियो हैं, जो भी इसके फाइनल अकाउंट का एक फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया हुआ है, उसको अवश्य देख लें, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। क्योंकि उसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों को बता रखा हुआ है, उसका प्रोफार्मा बताया हुआ है। प्रोफार्मा आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू।